सो हेलो, वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, मैं बात करने वाला हूँ आज पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो काफ़ी दिनों से मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था और अब हम इस पर वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसने काफ़ी कुछ जो क्रूशियल्स लेवल्स थे उनको इसने ब्रेक कर दिया है। पूरे किस हद तक नीचे जा सकता है, हम उसको उसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इसके ग्राफ पर मैं आ गया हूँ। तो 39.75 रुपये इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 39.75 रुपये का चल रहा है। 0.55 पैसे स्टॉक बढ़ा है और 1.36% तक इसमें गिरावट देखने को हमें मिल रही है। तो काफ़ी कुछ इसमें नया होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊँ, मार्केट के गिरने के साथ साथ काफ़ी कुछ शेयर्स गिर रहे हैं और ये मार्केट तो रिकवर हो जाएगा, बट ये किस हद तक नीचे गिर सकता है और कितना टाइम इसे रिकवर होने में लगेगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो 1.15 रुपये इसका करंट प्राइस अभी चल गिरा था। अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 2 रुपये गिरा है। अगर मैं बात करूँ 1 महीने के टाइम फ्रेम पर और 6 महीने के टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 4 रुपये स्टॉक बढ़ता हमें दिख रहा है और 1 साल की बात करूँ तो 5 रुपये। तो काफ़ी कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस हमें नज़र तो नहीं आ रहा है, बट जब ये गिरेगा तो काफ़ी हद तक ये गिर सकता है। तो 43.77 हज़ार करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो हम सही से इसके चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट पर हम बात करेंगे कि किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये नीचे की ओर जाने वाला है। तो आप देख सकते हो कई दिनों तक इसने इसी लेवल, इसी चार्ट पर इसने अपना इसी बॉक्स के अंदर काम किया था और इसे यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलते ही काफ़ी ऊपर तक गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके बाद यहाँ पे डबल टॉप जैसा एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा था। डबल टॉप बनने के बाद यहाँ पे नीचे इसने ब्रेक किया, इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, फिर बॉक्स के अंदर काम किया, फिर ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद काफ़ी हद तक ऊपर गया था और उसके बाद इसमें क्या हुआ, उसके बाद इसमें साइडवेज जाता हुआ दिख रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रेड लाइन बना दूँ इस लेवल पर, तो एक फॉलिंग वेज जैसा एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है और ये इसी बॉक्स के अंदर काम कर सकता है, इसी बॉक्स के अंदर काम कर सकता है। और अगर इसे नीचे की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो ये नीचे की ओर आ जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में ये नीचे की ओर भी आ सकता है। कौन से लेवल तक? लगभग 35 रुपये तक। और मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ऊपर की, अगर मैं बात करता हूँ इसे मैं हम हटा देते हैं, हाँ। तो अगर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है राइजिंग वेजेस पैटर्न में, अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी हाई राइज ये बना सकता है। लगभग ये 43 रुपीज तक तो नॉर्मल बात है, इसको जाने तक 50 रुपये तक भी जा सकता है। तो वेट करना होगा किस डायरेक्शन में वर्क करता है। जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में हमें इसमें खरीद लेना चाहिए या बेच देना चाहिए। दोनों लेवल हमें सेम दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकआउट मिल जाता है, यहाँ पर नीचे की ओर इस लेवल पर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बेच देना चाहिए हमारे जो होल्डिंग्स है वो। अगर इसे ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें ख़रीदना चाहिए। तो दोनों ओर हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर ये नीचे आता है तो आप एवरेज कर सकते हो, काफ़ी कुछ खरीद सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में आप इसमें शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सो गाइज़, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।